नालियाँ वहाँ लगाई हुई हैं, जो नेशनल हाईवे है उन्होंने पूरी तरह से उसको डैमेज किया हुआ है, किसान निकल ना सके। नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को रास्तों में रोकने के लिए बड़े बड़े जतन किए गए, कहीं पे गड्ढे खोदे गए, कहीं बड़े बड़े बोल्डर डाले गए, कहीं पे ट्रकों मिट्टी डलवा दी गई, उन सबको पार करके, उन सबको हटा करके, उन सबको निश्चय नाबूद करके जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले ही सोनीपत में जो बैरियर है उसको तोड़ा है। सर ये बताइए कि आपको सोनीपत तक पहुंचने में, यहाँ तक दिल्ली तो अभी थोड़ा दूर है, क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ेगी, सर क्या क्या आप लोगों को सामने रोकने के लिए क्या क्या जतन किए गए थे? सोनीपत में पीछे करनाल में हर एक जगह बैरिकेडिंग की हुई थी, केसीबी के साथ खड्डे खोदे हुए हैं, मिट्टी की ट्रालियाँ वहाँ लगाई हुई हैं, जो नेशनल हाईवे है उन्होंने पूरी तरह से उसको डैमेज किया हुआ है, किसान निकल ना सके। एक सबसे बुरी बात यह है, आपने नाम बता दिया, मेरा नाम बरजान सिंह है, ड्राइवरों के ट्रकों को रोड पे लगा के उनकी चाबियां निकाल के पुलिस ने अपने पास जाम लगवाया है, जाम लगाया, सभी पहले ट्रक पलाव किए फिर ट्राली रुकी और रोड पे पत्थर डाले हुए। कितनी जगह आपको ये सब देखना पड़ा? 15 जगह। आप कहाँ चले? लुधियाना से, खन्ना से। पंजाब में नहीं था आपको, हरियाणा में देखना पड़ा? पंजाब में नहीं था, हरियाणा से। हम हरियाणा से सीधा क्रॉस कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा में कोई कानून नहीं तोड़ रहे, फिर भी हमको काम किया जा रहा है। शांति से प्रोटेस्ट है, आप देखिए सर्दी का क्या कर रहे हैं हम, क्या क्राइम है हमारा, इसका टेस्ट करने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे। आप दो का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, पीछे भी हुआ है, शंभू में बहुत हुआ है। यहाँ तक जब आप लोग पहुँचते हैं सोनीपत तक और पंजाब जहाँ तक चले थे, यहाँ से लेके अभी तक आपको कितनी जगह कैसे आपको रोकने के लिए उनको आपने कैसे पास? 8-9 जगह रोकते आए हैं, ऐसे ही बैरियर आए थे, कभी खड्डे पटे थे ते ऐसे ही बैरियर परम करके ट्रैक्टरों के साथ, ते कभी ट्रकों वाले जो प्राइवेट साढ़े भरा ट्रकों वाले आ उन्होंने बड़े ट्रक खड़े करके ते चाबियां पुलिस अपने कोल लै जाती थी। बहुत जगह पे पानी की बौछार भी कही है, बहुत अथरू गैस भी छुटे है, साड़ी गाड़ी का शीशा भी छुटे है, बहुत अथरू गैस छुटी होगी। मैं आपको बताऊं कि मैं कल एक बंदे दे भी अथरू गैस बैठे मुंह दे बचा हुआ, जब मैं आपको बताऊं कि कल मैं सुबह सुबह में सब्बू बॉर्डर पे था, वहाँ बड़े बड़े बॉर्डर लगाए गए थे, चेन से बांधा गया था उसको तोड़ दिया, अम्बाला में इससे पहले पानी की बौछार की गई थी, फिर कुरुक्षेत्र पानी की बौछार की गई, सुबह सुबह शाम को मैं संगरूर में था, वहाँ पे पुलिस ने जो हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़े बड़े पुल के नीचे बॉर्डर लगाए थे उनको लगाया था, उसके ऊपर उन्होंने 10-20 ट्रक मिट्टी डाली थी, देर शाम तक जो किसान थे उन्होंने उस मिट्टी को भी हटा दिया और आगे बढ़ गए। अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ पानीपत तक वहाँ उस जगह तो नहीं पहुँच पाया क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन जो तस्वीरें आई जो किसानों ने बताया, जो और साथी पत्रकारों ने बताया, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो हाईवे थे उसको पुलिस ने करीब 10 फीट तक खोल दिया था चौड़ा सा, उसको बाद में किसानों ने जेसीबी मंगवा के किस तरह पटवा कर आगे बढ़ पाए, और अभी जब सोनीपत है यहाँ सुबह से अभी समय हो रहा 8 बज रहे हैं करीब, तो 7 बजे किसानों ने इस बैरिकेड को तोड़ दिया है, एक पत्थर हटाया और पत्थर से निकलना शुरू हुए, यहाँ पे भी उनको रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन जो किसान थे वो नहीं माने, उनका कहना है कि मुझे तो दिल्ली पहुँचना है। और सोनीपत में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो किसानों का मोर्चा जो हरियाणा पंजाब से आ रहा था दिल्ली को यहाँ पर पत्थर के बड़े बड़े गार्डर और देख सकते स्लैब लगाए गए थे, जिसे अब किसानों ने देर रात तक पहले इंतजार किया, जब पुलिस ने उसको नहीं जाने उनको नहीं जाने दिया, अब वो अपने खुद से उसको हटा रहे हैं गार्डर्स को, और देखिए ट्रैक्टर्स का प्रयोग हो रहा है, कई जो स्वयंसेवी किसान हैं मदद भी कर रहे हैं उनके, और पूरी कोशिश है कि उन्हें अभी तो हालांकि छोटे छोटे जो पत्थर के गार्डर्स हैं उन्हें हटाया गया, हालांकि बड़े स्लैब अभी भी बचे हैं जिनको हटाया जाना बाकी है, लेकिन किसान का पूरा कहना है कि हम दिल्ली की जरूर कूच करेंगे और दिल्ली पे दिल्ली जरूर जाएंगे ताकि हम अपनी बातों को रख